Now, read second question. In a computer lab, there are 3 computers for every 6 students. यानी कंप्यूटर लैब में 6 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर हैं? 3 कंप्यूटर हैं. सो हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स? तो 24 स्टूडेंट्स के लिए हमें कितने कंप्यूटर की नीड है, ज़रूरत है? सो देखिए हम किस तरीके से करते हैं. जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि क्या दिया गया था कि 6 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास 3 कंप्यूटर्स हैं. सो फॉर 6 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड 3. सो एक के लिए निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, देन 3/6. कितने कंप्यूटर आ रहे हैं एक पर्सन के, एक स्टूडेंट के हिस्से में? 1/2. 3 1 = 1, 3 2 = 6. कितने आ गए आपके? 1/2. सो फॉर 24 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर्स 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे? भी हमने क्या किया, हमने एक का निकाल लिया है तो हम 24 को निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 24 कंप्यूटर इंटू 1/2 करेंगे. 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 2 = 24. कितने कंप्यूटर्स चाहिए हमें? 12 कंप्यूटर चाहिए. जैसे हम लोग जाते हैं ना, मार्केट जाते हैं तो हमें पता होता है कि हम कोई सामान लेने जा रहे हैं. जैसे हम मार्केट गए हैं, ठीक है, हमने 10 पेन 100 रुपीज़ के लिए हैं, तो वॉट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन? तो आप तुरंत डिवाइड कर दोगे, मैम ये कितने रुपये हुआ? 10 रुपीज़ का. तो यानी आपने क्या किया, एक वन पेन की कॉस्ट निकाली. सेम लाइक दैट है ये 6 स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर कितने हैं? 3. तो 1 स्टूडेंट के पास कितना होगा, हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. तो हमारा कितना आ गया? 1/2. सो फॉर 24 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर्ड कितना होगा, हम इसका क्या कर देंगे, 24 से 1 का निकाल के. अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, तो आप 50 बता दोगे. इन 10 × 5. सो सिंपल वही है, 12 × 1/2. तो कितना आ जाएगा आपका? 12 कंप्यूटर. तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन. कमिंग अप द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन रीड करते हैं. पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 570 लैक्स एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज इक्वल टू 1660 लैक्स. सो एरिया ऑफ राजस्थान 3 लाख किलोमीटर² एंड द एरिया ऑफ यूपी 2 लाख किलोमीटर/2. फर्स्ट ऑप्शन इज दैट हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर एरिया इन बोथ स्ट्रीज बोथ दीज स्टेट्स. यानी दोनों स्टेट्स में पर किलोमीटर, यानी कि हमें एक की वैल्यू निकालनी, पर किलोमीटर मतलब 1 की वैल्यू निकालनी है. विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, और ये भी बताना है कि विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड. चलिए हम निकालते हैं. अब इधर देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा था, क्या गिवन दे रखा था, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान गिवन है हमें. पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इन 3 किलोमीटर एरिया इज़ इक्वल टू 570 लाख. कितनी आपकी? 570 लाख है. तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 1 किलोमीटर, सेम वही चीज़ है, आपको ज़्यादा का देके एक का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे. तो 570 / 3 हम इसको करेंगे, 3 1 = 3, 3 9 = 27, 0 190 लाख आ जाएगी 1 किलोमीटर एरिया की. सेम हम करेंगे यूपी के लिए. पॉपुलेशन ऑफ यूपी 2 किलोमीटर एरिया में जो रहती है वो कितनी है, इतनी 1660 लाख. सो 1 किलोमीटर, यानी आपको 2 ज़्यादा का देखिए कम से पूछ रहा है, तो हम डिवाइड करते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है. तो 1660 / 2 कितना जाएगा, 830 लाख. अब आता है नेक्स्ट, इसका पॉइंट क्या था, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड. अब सबसे कम पॉपुलेटेड कौन सा है, देखिए आपके सामने ही है, किस में है, देखिए किलोमीटर एरिया जो है राजस्थान का 190 है और यूपी कितना है, 830 है. तो लेस पॉपुलेटेड कौन सी होगी, राजस्थान. कौन सी होगी, राजस्थान. राजस्थान इज द लेस पॉपुलेटेड. ओके, सो 8.1 यूनिट कंप्लीटेड.